So again, this is a popular request from the UHRS learning group. तो ये वीडियो हम हिंदी में करने जा रहे हैं. तो ये है एंटिटी लिंकिंग जजमेंट, आप देख रहे हैं. ऐसे टाइप का आज क्वालिफिकेशन हम करेंगे और ये बहुत ही अच्छा प्राइस वैल्यू है इसका, $0.04 पर हिट. और यहाँ पर अगर आप देखेंगे आई बटन पर क्लिक करने के बाद, तो यहाँ पर आपको ये बताएगा लेवल वाइज पेमेंट. सो कई लोगों को कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूज़ है इसके अंदर कि एक्चुअल होता क्या है. देखिए लेवल 1 0.04 तब मिलता है आपको जब आप शुरुआत कर देते हैं क्वालिफाई करने के बाद में. और जिनका भी स्पेम स्कोर अगर 85% से ये 85% रहता है या उससे ऊपर रहता है, उनको ये 0.05 में मिलती है. आज हम इसको क्वालिफाई करके चेक भी कर लेंगे, ये मिलती है कि भी नहीं मिलती है. कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है कि क्वालिफिकेशन अगर आपका 85+ है तो आपको ये 0.05 में मिलती है. तो आज हम ये करते हैं और समझते हैं कि क्या ये सही है या नहीं, या फिर प्रोडक्शन वर्क में अगर हम 85% अबव रखते हैं तो हमें $0.05 मिलता है. तो आज इस डाउट को क्लियर करेंगे हम. तो स्टार्ट करते हैं इसका क्वालिफिकेशन. तो यहाँ पर गाइडलाइन दे रखी है, सबसे पहले आप गाइडलाइन को ओपन कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा. मैं सीधे क्वालिफिकेशन स्टार्ट कर रहा हूँ. सो हमारे पास 3 चांस हैं, 3 अटेम्प्ट रहेंगे और हमसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे. तो शुरुआत करते हैं. सो ये आप देख रहे हैं इंटरफेस, इसमें आप हमेशा ध्यान रखिए द नेम ऑफ हिट ऐप बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी हिट ऐप का नाम क्या है, उसके बेस पे आप उसकी थोड़ी बहुत गाइडलाइन समझ सकते हैं क्या है. तो यह हम देख रहे हैं, ये है एंटिटी लिंकिंग. आपको एंटिटी लिंक करना है, जो आपको इन्फॉर्मेशन कार्ड में यहाँ राइट साइड में जो एंटिटी दी हुई है, यहाँ आप देख रहे हैं इमेज रहेगी एंटिटी की, यहाँ उसकी डिटेल रहेगी थोड़ी बहुत, और आपकी क्वालिटी पैरामीटर, यहाँ जजमेंट है आपके, प्राइमरी टॉपिक, टॉपिक मेंशन, नॉट इनफ इन्फॉर्मेशन एंड पेज नॉट फाउंड, ये आपको जजमेंट इनमें से देना है. और लेफ्ट साइड में आपको वो एंटिटी दे रखी है जो आपको मैच करना है इस राइट साइड के पेज से. तो एक बार मैं इसे वापस से दोहरा देता हूँ. क्वालिटी प्राइमरी टॉपिक आप कब सेलेक्ट करेंगे, द पेज इज़ अबाउट द टॉपिक, पेज यहाँ पर इस पेज की बात हो रही है जो आपके लेफ्ट साइड में पेज है, ठीक है. अगर वो मेन टॉपिक ही है जो आपका एंटिटी दे रखी है तो आप उसे सीधे प्राइमरी टॉपिक करेंगे. टॉपिक मेंशन का मतलब होता है कि जो आपकी एंटिटी यहाँ दे रखी है वो एंटिटी अगर यहाँ मेन पेज पर ना होते हुए उससे मेंशन भी किया हुआ है उसका नाम, तो आप सीधे टॉपिक मेंशन पर जाएंगे. और उसके बाद नॉट मेंशन मतलब कि वो वेब पेज पे कहीं भी वो टॉपिक मेंशन ही नहीं है, तो आप उसे सीधे करेंगे. ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर नेम डुप्लीकेसी पे मत जाइएगा, एंटिटी मैच होना चाहिए. नॉट इनफ इन्फॉर्मेशन आपको कब करना है, जब आपको लगता है कि इट, यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, इट्स लुक लाइक द टॉपिक इज मैंशन ऑन द पेज बट देर इज़ नो कंटेक्स्ट, सो यू कांट बी श्योर इफ इट इज़ द करेक्ट टॉपिक और जस्ट द सेम वर्डिंग. तो यहाँ ध्यान रखना है कि सिर्फ नाम लिखा है और कुछ भी नहीं है, कि आप कंफर्म ही नहीं कर सकते, कुछ एट्रीब्यूट ही नहीं दिए हुए हैं आपको, तो उस केस में आप क्या करेंगे, सीधे नॉट इनफ इन्फॉर्मेशन को सेलेक्ट करेंगे. और पेज नॉट फाउंड आपको कब करना है, पेज नॉट फाउंड जो भी एरर आते हैं आपके, हमेशा पेज नॉट एरर, वो आप पेज नॉट फाउंड करेंगे. DNS एरर में आपको पेज नॉट फाउंड यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उस केस में वो कंट्री वाइज और आपके ISP जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है उसके हिसाब से वो शो करता है आपको. तो हम शुरुआत करते हैं पहली क्वेरी का. तो स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता दूँ, हम यहाँ पर सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं, ये हमारा लर्निंग पार्ट है. मैं इसे बिना गाइडलाइन के कर रहा हूँ, मैंने गाइडलाइन को नहीं पढ़ा है. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्या बिना गाइडलाइन को पढ़कर हम इसे कर सकते हैं, सिर्फ अगर हम फोकस करें इन डिटेल्स के ऊपर. तो शुरुआत करते हैं. आप देख रहे हैं यहाँ बताया गया है, ऑथर है ये गैरी ए क्लीन, मतलब ये पर्सन एक एंटिटी है. गैरी क्लीन इन बॉर्न 1944 इन न्यूयॉर्क सिटी. आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए इस टैब पर, तो इस टॉपिक के बारे में और आपको बताया जाएगा विकिपीडिया पेज में. तो ये बहुत हेल्पफुल रहता है आपके लिए. गैरी ए क्लीन यहाँ पर एक पर्सन रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, आपको यहाँ पर पर्सन रिलेटेड रिसर्च दिया हुआ है, तो आप सीधे जाइए लेफ्ट पेज पे जहाँ हमें कंफर्म करना है. आप ये देख रहे हैं स्ट्रीट लाइट एंड शेडो सर्चिंग फॉर द की टू एक्टिव डिसीजन मेकिंग. तो हम ये देख रहे हैं यहाँ बुक दिया हुआ है और यहाँ पर जो एंटिटी है वो आपकी गैरी ए क्लीन की है. तो हमें ये देखना होगा कि यह जो है क्या ये राइटर है, इनका ऑक्यूपेशन देखिए आप, रिसर्च साइकोलॉजिस्ट हैं ये. एक आपको बहुत अच्छी टिप बताने जा रहे हैं हम. आपको करना क्या है कि आप यहाँ देख लीजिए इस वेब पेज पे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप दर्ज नहीं कर पा रहे जल्दी से, तो आपको सीधे यहाँ पर देखिए ये जो लिखा हुआ है, या फिर आप इस बुक का नाम ले लीजिए, इसे कॉपी कर लीजिए यहाँ पे, ये स्टर्लिंग एंड शेडो, और उसको आप इस पूरे वेब पेज पर राइट साइड में फाइंड करने की कोशिश कीजिए विकिपीडिया पेज में. आप देख रहे हैं पब्लिकेशन है ये,
इसका मतलब है कि ये बुक इनके द्वारा लिखी गई है, बुक पर ये हैं। तो अब हम ये आप समझ चुके हैं कि हमारी जो एंटिटी है वो यहाँ नहीं है, बट ये ऑथर है, इन्होंने ये बुक लिखी हुई है। तो अब हमारे ऑप्शंस पे हम आएंगे, ऑप्शंस को देखेंगे। प्राइमरी टॉपिक तो नहीं है ये, क्योंकि इनके बारे में बात नहीं की जा रही है, इनडायरेक्टली इनकी बुक के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। और द टॉपिक मेंशन कार्ड मैन द वेब पेज बट द प्राइमरी टॉपिक ऑफ द पेज इज डिफरेंट। तो यहाँ टॉपिक तो कुछ और है, और ये गैरी एक्लेनिन का नाम मेंशन किया हुआ है, तो यहाँ टॉपिक मेंशन पे जाना चाहिए। ये हम यहाँ पे थोड़ा गाइडलाइन का हेल्प ले सकते हैं इंस्ट्रक्शन में जाके। तो आप देख रहे हैं प्राइमरी टॉपिक, तो चूज़ प्राइमरी टॉपिक आपको कब करना है जो पूरा पेज डेडिकेटेड हो। तो यहाँ पर अगर ये पेज इस ऑथर पे डेडिकेटेड होता पूरा, तो हम वही करते। टॉपिक मेंशन कब करना है, चूज़ टॉपिक मेंशन इफ़ द वे पेज समवाट मेंशन द टॉपिक बट द प्राइमरी टॉपिक इज़ डिफरेंट। ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं, हमारा ऑप्शन यहाँ आ रहा है क्योंकि बुक ये लिखी हुई है इनके द्वारा। नॉट मेंशन में इफ़ द वे पेज डज नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक इट इज़ डेफिनेटली अनदर टॉपिक दैट इज़ मेंशन हियर। तो इसका भी हो सकता है, नॉट मेंशन भी हो सकता है उस केस में जब ये एंटिटी यहाँ पर चेक। तो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन का स्टेज है, ये तो आएगा नहीं ऑप्शन। तो हम एक काम करते हैं, सीधे चलते हैं और अपना जजमेंट देते हैं टॉपिक मेंशन का, क्योंकि एज पर गाइडलाइन ये टॉपिक तो मेंशन किया हुआ है, इन ऑथर यहाँ मेंशन है, तो हम इसे टॉपिक मेंशन चूज़ करके सबमिट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये दूसरा प्रश्न आ चुका है, दूसरी क्वेरी हमारे सामने है। आप देख रहे हैं दूसरी क्वेरी में हमें राइट साइड में सबसे पहले एंटिटी को पढ़ना है और समझना है क्या है एंटिटी, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। तो आप ये देख रहे हैं ब्राउनिंग है, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, ये भी एक पर्सन रिलेटेड एक ऑथर है, इनके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। हमें लेफ्ट साइड में मैच करना है कि ये क्या चीज़ है। आप लेफ्ट में देख रहे हैं द पोएम्स ऑफ एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग वॉल्यूम 2। तो यहाँ पर भी इनके बारे में ही बताया गया, इनकी पोएम है। अब हमें कन्फर्म करना है कि ये वही पर्सन है कि नहीं। तो आप कैसे कन्फर्म करेंगे, आप बस इस बुक का नाम इसे कॉपी कर लीजिए यहाँ से। आप इसे कॉपी करने के बाद में आप इस विकिपीडिया पेज पर जाइए जो इनके बारे में डिटेल दे रहा है, क्योंकि विकिपीडिया पेज सारे डिटेल कवर करता है जो कि किसी यूजर्स जो पॉपुलर यूज़र होता है उसके अकॉर्डिंग होती है। तो मीन्स कि विकिपीडिया पेज मतलब कि वहाँ पर इन्फॉर्मेशन बिल्कुल होना चाहिए अगर ये वही यूज़र होंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास तीन रिज़ल्ट हमको मिले हैं, पहला यहाँ है, दूसरा ओके उसी पेज पर है, और थर्ड रिज़ल्ट हमारे इस विकिपीडिया पेज में कुछ नहीं शो हो रहा है हमको। तो हमें थोड़ा रिसर्च और करना पड़ेगा इस क्वेरी के लिए। तो आप देख रहे हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग चिल्ड्रन रिलेटिव नेशनलिटी, और यहाँ हम देखते हैं तो ये एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। ओके, तो ये भी हमारा पहले प्रश्न जैसा ही, पहली क्वेरी जैसी क्वेरी लगती है। तो हम अब रिसर्च करना चाहें तो और कर सकते हैं, पर मुझे लगता नहीं कि हमें रिसर्च की आवश्यकता है क्योंकि ये सिमिलर ही है। थोड़ा और देखते हैं यहाँ पर एग्जांपल में हमें क्या दिया हुआ है टॉपिक मेंशन में। यहाँ पर हम देखते हैं ऐसा कौन सा एग्जांपल है। ओके ठीक है, तो हम अगर इसे देखें तो यही ऑथर है जो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। और आपको अगर जानना है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, आप जस्ट इसको सेलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक करके इसको सर्च कर लीजिए गूगल में। तो आप जैसे ही गूगल में सर्च करेंगे तो गूगल में जो भी जितने भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, ये वही लिंक्स हैं, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब हम इन्हें जानना चाहते हैं कि ये हैं कौन, तो आप करना कुछ नहीं है, बैरेट ब्राउनिंग वॉल्यूम 2 आप पेजेस पे क्लिक कर दीजिए। तो इमेजेस पे आप क्लिक करेंगे तो उनसे रिलेटेड इमेजेस यहाँ पे शो हो जाएगी, और उनमें से अगर कोई इमेज होगी, ये अभी बुक्स की इमेज शो हो रही है। ठीक है, ये पर्सन देखिए आप देख रहे हैं एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, और यही आप यहाँ देखेंगे तो आपको मिलेगा। तो हम इसे कह सकते हैं कि टॉपिक मेंशन यूज़ करेंगे और सबमिट कर देंगे। सो सबमिट करते हैं और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेरी की तरफ। आउटसोर्स एक फिल्म है और इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो इसे पढ़ लीजिए। हाँ, व्हेन द कॉल सेंटर ही मैनेजेस, तो यहाँ तो सिर्फ स्टोरी लाइन मिलेगी आपको, आप सीधे विकिपीडिया पेज पर जाइए तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा कि ये किस फिल्म के बारे में बात की जा रही है। तो ये आउटसोर्स है, ये इसकी सबसे पहले आप इसके एट्रीब्यूट देख लीजिए, डायरेक्ट बाय जॉन जेफकोट एंड रिटन बाय जॉर्ज विंग। ओके, और आप से आ जाइए यहाँ पे लेफ्ट साइड में, यह है हमें आउटसोर्स 2010 एंड 2011, और आप देखेंगे तो रिलीज डेट है 12 सितंबर 2006। थोड़ा और आप नीचे आइए और चेक कीजिए, ये सिमिलर नेम लग रहे हैं। ठीक है, इसकी कोई सीरीज है कि नहीं आप देख लीजिए, कोई 12 सितंबर 2006 को ये रिलीज़ हुई थी और लैंग्वेज इसकी इंग्लिश थी। उसके बाद आप प्रोडक्शन में देख रहे हैं और ये इसके अवार्ड्स हैं। सो ये तो बिल्कुल डिफरेंट है, कोई रिलेशन नहीं है। तो आप इसे चुनेंगे हमारा नॉट मेंशन, तो आप सीधे नॉट मेंशन पे जाइए और जजमेंट सबमिट कीजिए।
क्योंकि नॉट मैंशन ऑप्शन है, द वेब पेज डज नॉट मैंशन द टॉपिक एट ऑल और मैंशन अ डिफरेंट टॉपिक विथ सेम नेम. तो ये सेम नेम के साथ में डिफरेंट है क्योंकि ये वही मूवी नहीं है. आप इसे सबमिट कर दीजिए और आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेरी के लिए. कि नेक्स्ट क्वेरी हमारी है, उसका इन्फॉर्मेशन कार्ड सबसे पहले रीड कीजिए. टीवी प्रोग्राम गेट बैक. सो यह हम देख रहे हैं, ये एक टीवी प्रोग्राम है. गेट बैक ए ब्रिटिश सिटकॉम रिटन बाय. आप यहाँ से ज़्यादा अच्छा है कि आप हमेशा यहाँ देखें विकिपीडिया पेज को, जो आपको बहुत ही ईजी कंपेरिजन कर देगा, तो आप इजीली कंपेयर कर पाएंगे. और ये गेट बैक एक टीवी सीरीज़ है क्रिएटेड बाय मॉरिस ग्रैन और लॉरेंस मार्क्स. स्टारिंग स्टार दे आर स्टार कंपोजर. सो जस्ट लुक हियर, गेट बैक टीवी सीरीज कांट बाय मी लव. एंड समरी है, मार्टिन एक्साइटमेंट अबाउट फ्रेंचाइज पॉसिबिलिटीज हिट्स अ फाइनेंशियल स्नैक इन सिनॉप्सिस इसका. और ये 1993 का इसका ईयर लिखा हुआ है. यहाँ अगर देखेंगे इसके बारे में तो ये विच रेन फॉर टू सीरीज बिटवीन 26 अक्टूबर 1992 एंड 15 नवंबर 1993. ये आपका टू सीरीज में चला है तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे यहाँ पे. तो हम यही चीज़ है जो यहाँ लिखा हुआ है कांट बाय मी लव, इसे हम कॉपी करेंगे और इसकी मीडिया पेज पे हमें इसे सर्च करने की कोशिश करेंगे. सो आप ये देख रहे हैं सीरीज टू कांट बाय मी लव और ये 1993 में जो सीरीज़ था. तो हमें यहाँ से समझ में आ रहा है पूरा, ये सीरीज़ वन 1992 में आया था और ये सीरीज़ में आपका 1993 में आया है. तो उसके बेस पे हम ये कह सकते हैं, हमारा जजमेंट हम दे सकते हैं कि ये इसका पार्ट है. और उसके लिए हम जाएंगे हमारे सीधे टॉपिक पर. और टॉपिक में हमें प्राइमरी टॉपिक तो ये नहीं है, बट टॉपिक मेंशन है क्योंकि यहाँ पे फीडबैक मेंशन किया हुआ है. हम एक बार वापस सेक्शन पे जाके चेक कर लेंगे दोबारा. गलत करने से अच्छा है कि आप उसका अच्छा से रिसर्च कर लें. तो टॉपिक मेंशन में आता है, चूज टॉपिक मेंशन इफ द वेब पेज समवाट मेंशन द टॉपिक बट द प्राइमरी टॉपिक इज डिफरेंट. सो अब हम अगर यहाँ देखें तो प्राइमरी टॉपिक में हमेशा ध्यान रखिए, चूज प्राइमरी टॉपिक इफ द वेब पेज इज डेडिकेटेड टू दिस पर्टिकुलर प्राइमरी टॉपिक. हम यहाँ देख रहे हैं ये प्राइमरी टॉपिक नहीं है क्योंकि ये पूरा इस पे डेडिकेटेड नहीं है, एक एपिसोड पे डेडिकेटेड है. तो हम इसे सीधे चुनेंगे टॉपिक मेंशन और सबमिट कर देंगे और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेरी के लिए. यहाँ पर फिर से जब भी आपका नया क्वेरी आता है आप सीधे क्वेरी के एंटिटी को पढ़ें, ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन. और यहाँ पर ये है आपका डिटेल, साइप्रिपेडियम अरियन. थोड़ा नाम डिफ़िकल्ट है ये तो मैं इसे वापस से पढ़ने की कोशिश करता हूँ. यह है आपका साइप्रिपेडियम एरेटिनियम. ओके, सो साइप्रिपेडियम एरेटिनियम द रैम्स हेड लेडीज स्लीपर इज़ अ रेयर ऑर्चिड दैट ग्रोस. सो ये यहाँ पर किसी प्लांट के बारे में बात की जा रही है जो कि फ्लावर प्लांट है. इसे हम विकिपीडिया पेज पर आके और समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये क्या है. तो यहाँ हम देख रहे हैं ये किंगडम प्लेनेट मतलब प्लांट ही है ये आपका. और ये इसके डिफरेंट नेम दिए हुए हैं, ये फैमिली बताया हुआ है कहाँ सफर है, किस फैमिली से बिलोंग करता है ये प्लांट. और यहाँ आप देखिए लेफ्ट साइड में ये आई फ्रेम में ओपन नहीं हो रहा है तो हमें इसे अलग से खुलना पड़ेगा. यहाँ आप देख सकते हैं botanyboy.org फेरी स्लीपर ऑर्चिड. तो आपको देखिए सिंपल सा, आप इसे कॉपी कर लीजिए, ठीक है, इसे अभी कॉपी करके रख लीजिए. तब तक हम इसे खोलते हैं इस लिंक को और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो लेफ्ट साइड में वेब पेज है ये किसके बारे में बात कर रहा है. क्या ये जो राइट साइड में इन्फो कार्ड दिया है उसी एंटिटी के बारे में बात कर रहा है. तो आप देख रहे हैं फेरी स्लीपर ऑर्चिड, तो यहाँ पर थोड़ा सही दिया हुआ है तो हम यहाँ से लेते हैं तो वो सही रहेगा क्योंकि उससे हमें फाइंड करने में इजी रहेगा. तो आप यहाँ देखते हैं, हम इसे लेट मी सेलेक्ट इन समटाइम सम वेबसाइट्स नॉट प्रोवाइड द कॉपी फंक्शन बट नाउ इट इज़ ओके, इट इज़ प्रोवाइडिंग. तो थोड़ा सा लेते हैं हम इसे. The cloud woodlands of the northern hemisphere are the dwelling place in a tiny dedicated. Okay, ये लोड होता है, हम वापस चलते हैं हमारे मेन क्वेरी पर. और यहाँ हम देख रहे हैं एक, यहाँ पर हम वापस से वही करते हैं, इस विकिपीडिया पेज पर फाइंड करके देखते हैं क्या ये डिटेल मिल रही है क्या हमें. हम फेरी करके देखते हैं तो फेरी भी नहीं है. और बुलबोसा भी देख लेते हैं जो नाम इन्होंने दिया है, क्योंकि क्या होता है एक प्लांट के कई ऐसे वेरिएंट्स होते हैं भी नहीं है. तो हम एक काम करते हैं सीधे इसे, तो हम जितना यहाँ समझ पा रहे हैं इसे, ये एक इज़ अ रेयर ऑर्चिड दैट ग्रोज इन लाइटली शेडेड एरियाज विथ
स्पेशल टाइप की सॉइल है, कैलकेरियस सॉइल्स, वहाँ पर ये होता है अधिकतर। इट कैरेक्टिस ऑफ द अलवास अराउंड द ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका में ये मिलता है। ठीक है, अब थोड़ा और नीचे आते हैं और चेक करते हैं। स्मॉल लेडी स्लीपर ग्रोविंग 10 to 40 cm। हम वापस से हमारी वेबसाइट पर चलते हैं, जो लेफ्ट साइड के लिंक से, लिंक को अलग टैब में ओपन करने के बाद कि हम यहाँ देखते हैं फेरी ऑर्चिड। मेरा स्लीपर तो नाम दिया है उन्होंने, ये फेरी स्लीपर ऑर्चिड कैलिप्सो बुलबोसा। आप इसके बारे में जानते हैं कि ये एक फैमिली से बिलोंग करता है, अगर ये इससे बिलोंग का है और चेस तो हमारा हम चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आप इसे पढ़ भी सकते हैं पूरा, या आप सीधे कंट्रोल एफ और कंट्रोल वी करके पेस्ट करके फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ डालने की कोशिश करते हैं यही चीज़ जो हमने वहाँ डाले थे। तो हम देख रहे हैं द रैम्स हैट लेडी स्लीपर और फेरी स्लीपर। तो ये इस वर्ड से हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते, इसे हम जजमेंट नहीं दे सकते इस वर्ड से, हमें और थोड़ा डिटेल लेना पड़ेगा जिससे कि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें दोनों को। कहें कि हम इसे यहाँ से इसे कॉपी करें और अलग से गूगल के एक वेब पेज पे इसे अलग से खोलें और इसके आगे हम डाल दें, इंटर कर दें कि फैमिली हमें जानना है। तो फेरी स्लीपर ऑर्चिड फैमिली, तो इससे भी हम इसे और थोड़ा ढूंढ सकते हैं कि ये लिखिए कैलिप्सो ऑर्चिड है, फेरी स्लीपर ऑर्चिड फैमिली। सो ये इस फैमिली से बिलोंग करता है, ऑर्चिडेसियस ऑर्चिडेसिया। सो ऑर्चिडेसिया हम मैच करेंगे हमारी क्वेरी में। सो ये फैमिली मैच हो रही है, तो हम इसे कर सकते हैं कि टॉपिक मेंशन है, हम कर सकते हैं टॉपिक मेंशन और सबमिट करते हैं और आगे बढ़ते हैं अगली क्वेरी की ओर। ये साइलेंट क्वालिफिकेशन है, इसमें आंसर बताए जाएंगे, लास्ट में रिजल्ट देख सकते हैं कि हम पास हुए या फेल। तो हम बहुत सेंसिटिवनेस के साथ ना पड़ेगा। अब देखिए विद ऑल डिस्पूट ऑल डिफेंडिंग अमेरिका ग्रिफ्ट एंड ग्रेस इज बाय विकी हाले अबाउट हर ईयर्स। हमें जाने की कोशिश करना पड़ेगी विकीपीडिया पेज पर बात कि ये इन्फॉर्मेशन कार्ड है ये किसके बारे में बात कर रहा है। ये आप देख रहे हैं इनके ऑथर जो है निकी हेली है और जो कि यूनाइटेड स्टेट्स से हैं और ये बुक की लैंग्वेज इंग्लिश में प्रिंट हुआ है। आप यहाँ देख लीजिए लेफ्ट साइड में कंपेयर कीजिए। यहाँ हम देखते हैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ये आपका टी वी सीरीज बताएं और रखना पड़ेगा कि बारकोड जिससे कि हम एट्रीब्यूट कन्फर्म कर सकें। सो विद ऑल रिस्पेक्ट टी वी सीरीज 2014 एंड 2017। तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या इन्होंने इसके ऊपर कोई टी वी सीरीज बना है क्या। तो हम टी वी सीरीज टाइप कर देते हैं यहाँ पे और कोशिश करते हैं ढूंढने की क्या हमें विकीपीडिया पेज पे कुछ मिल रहा है। तो यहाँ पर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम सीधे यहाँ देखेंगे। और सबसे सही तरीका है आप सीधे ऑथर वेरीफाई करें। एट्रीब्यूट्स में ऑथर निकी हेली है यहाँ पे और यहाँ पर देखेंगे गेम चेंज ऑथर मार्क हेल्प इन एंड जॉन हेलन हॉस्टिस डेली ओवर लॉन्ग शो रूल। सो ये आपका नॉट मेंशन में आना चाहिए क्योंकि कोई रिलेशन आइडेंटिटी का, तो नॉट मेंशन हम करते हैं और सीधे सबमिट करके आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा म्यूजिकल के बारे में, ये दिया हुआ है उसको मिशन है द डबलाइनर्स। द डबलाइनर्स वर आयरिश फोक बैंड फाउंड इन डबलिन इन 1962। और ये लेफ्ट साइड का पेज ओपन नहीं हो रहा है, तो हम सबसे पहले जो ओपन टैब है हमारे उन सबको क्लोज कर देते हैं और इस नए टैब में ओपन करने की कोशिश करते हैं। और नए टैब में ओपन वेरीफाइंग एंटिटी जो लेफ्ट साइड में पेज दिया है उस एंटिटी से। तो ये थोड़ा सो यहाँ पर ये आई फ्रेम में लोड हो चुका है पेज। अब हम कंपेयर करते हैं, एल्बम है ये डब लाइनर्स जो कि जेम्स जोइस 2020 175 सॉन्ग। हमें ये मैच करना होगा कि ये जो नाम यहाँ लिखा हुआ है जेम्स जोइस, क्या ये इनके बैंड में है। तो हम सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पे विकीपीडिया पेज पर, हमेशा विकीपीडिया पेज पर जाकर ही रिसर्च करें क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा कंटेंट रहेगा आपको जानने के लिए इसके बारे में। तो हम सीधे यहाँ पर क्या रिसर्च करेंगे, जो एल्बम है हम सीधे यहाँ लिख देंगे जेम्स जॉयस से। तो अब हम धीरे धीरे आर्टिकल्स अबाउट आयरिश फोक बैंड फॉर द बुक बाय जेम जॉयस से
सो यहाँ पे जेम जॉइस लिखा हुआ है, और अगर हम देखें यहाँ पे तो ये ओरिजिन डबलिन में हुआ था। यहाँ पर बैंड की बात हो रही, और यहाँ पर दिस आर्टिकल इज अबाउट द आयरिश फोक बैंड फॉर द बुक बाय जेम जॉइस है। तो बुक बाय जेम जॉइस है ना, ये वेरीफाइड आर्टिस्ट है। और अगर देखा जाए तो ये आर्टिस्ट ऑथर तो नहीं लगते, सिंगर लगते हैं। सो ये हमें हम सीधे से करेंगे द डबल लाइनर्स को, थोड़ा और रिसर्च करते हैं हम, थोड़ा बैक चलते हैं हम राइट क्लिक करके। राइट क्लिक, क्लिक नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, आप सीधे द डब लाइनर्स और आयरिश फोक बैंड फाउंड इन डब्लिन 1962। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 1962 टू 2012 तक इनका बैंड था। और यहाँ हम बात करें तो जेम्स जॉयस से हैं, पर ये कोई यहाँ पर ये बता रहे हैं कि बुक बाय फॉर द बुक बाय जेम जॉयस। सो ये डिफरेंट लगता है। हम सीधे से टॉपिक पे आने के बाद में, सीधे टॉपिक पे आने के बाद हम हमारा जजमेंट देंगे यहाँ पे कि यह नॉट मेंशन रहेगा क्योंकि एंटिटी डिफ है। और सबमिट करें और आगे बढ़ते हैं अगली क्वेरी के लिए। क्वालिफिकेशन में आप अगर समय देंगे तो प्रोडक्शन वर्क में आपको दिक्कत नहीं आएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये डीप ब्लू, सो हियर इज़ द क्वेरीज। डीप ब्लू वॉज अ चेस प्लेइंग सुपर कंप्यूटर डेवलप बाय IBM। सो हियर इज द एंटिटीज डीप ब्लू। चेक द विकीपीडिया पेज ऑफ दिस एंटिटी टू गेट मोर आइडिया अबाउट दिस। सो वन ऑफ द टू कैबिनेट ऑफ डीप ब्लू इट इज एग्जिबिट। सो 1995 प्रोटोटाइप बना था इसका, 96 में रिलीज हुआ, 1997 में अपग्रेड किया गया। यह आर्किटेक्चर है। तो ये डीप ब्लू वाज अ चेस प्लेइंग एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में बात की जा रही है। हम यहाँ देखते हैं लेफ्ट पेज पे, कंप्यूटर बीट्स वर्ल्ड चेस चैंपियन अन IBM सुपर कंप्यूटर कॉल्ड डीप ब्लू मेड चेस हिस्ट्री बाय बीटिंग गैरी कास्परोव। सो ये पूरा आर्टिकल ऐसा लगता है कि इस डीप ब्लू की बारी। लेट्स हम थोड़ा चेक करते हैं इसे। चेस प्रोग्राम लास्ट टू गेम मैच टू, ओके। तो यहाँ पर ये चेस प्रोग्राम के बारे में बात हो रही है। हम एक बार यहाँ चेक करते हैं कि क्या इस विकीपीडिया पेज पर कहीं चेस प्रोग्राम के बारे में बात की गई है। सो चेस प्रोग्रामिंग, दिस आर्टिकल इज पार्ट ऑफ द सीरीज ऑन चेस प्रोग्रामिंग, ओके। तो ये चेस प्रोग्रामिंग की बात तो है यहाँ, और ये सिर्फ दो जगह है। हम थोड़ा और आते हैं यहाँ पे, ओके, और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम यहाँ देख रहे हैं वायरल डॉक्टर स्टूडेंट। सो ये सिमिलर ही बात की जा रही है। तो ये प्राइमरी टॉपिक है, हम सीधे हमारे जजमेंट पे आएंगे क्योंकि ये डीप ब्लू चेस प्रोग्रामिंग के रिगार्डिंग बात की गई है। और ये पूरा के पूरा जो आर्टिकल है वो भी कंप्यूटर बीट्स वर्ल्ड चेस चैम्पियन उसी के बारे में बात की गई है। तो हम सीधे से प्राइमरी टॉपिक करेंगे और सबमिट करेंगे, नेक्स्ट क्वेरी की ओर आगे बढ़ते हैं। ड्रैगन बॉल जेड कलेक्टिव कार्ड गेम, सो यहाँ पर ड्रैगन बॉल जेड कलेक्टिबल कार्ड गेम के बारे में बात की जा रही है। और ड्रैगन बॉल जेड अल्टीमेट, ये तो डिफरेंस है, नाम में ही अलग है। थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं विकीपीडिया पेज खुलकर, और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या इनमें डिफरेंस है कि नहीं, या ये कहीं पे इसका जिक्र किया हुआ है। ड्रैगन जेड अल्टीमेट, ओके, यहाँ पर ये फर्स्ट लुक में तो लग रहा है कि बिल्कुल डिफरेंस है, डिफरेंट है कंपेयर टू लेफ्ट पेज। ड्रैगन बार यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं इस वर्ड को लेकर, क्या ये वर्ड हम की पेज में कहीं दिया हुआ है। वापस से हम टॉपिक पे चलते हैं, और ड्रैगन बॉल जेड कलेक्टिबल, ओके, वापस से हम चलते हैं विकीपीडिया पेज पे। ये विकीपीडिया पेज में कुछ बैक करते हैं, शायद किसी पर क्लिक होने के बाद ये पेज आना शुरू हो गया है। यहाँ हम स्टडी कर रहे हैं तो हम ये पाएंगे कि ड्रैगन बॉल जेड कलेक्टिबल कार्ड गेम वीडियो गेम फॉर गेम बॉय एडवांस बेस्ड ऑन द ड्रैगन बॉल जेड कलेक्टिबल कार्ड गेम, ओके। और यहाँ हम देखेंगे तो ड्रैगन बॉल जेड है तो है यहाँ पर नाम में, बट अल्टीमेट टेंकाइची ये इसके साथ लगा हुआ है। तो हम इसे और इसके कैरेक्टर को भी हम चेक करते हैं, तो कैरेक्टर्स भी इसके डिफरेंट दिख रहे हैं यहाँ पे। तो इसे हम सीधे करेंगे नॉट मेंशन्ड, और
ये प्लेटफॉर्म में जहाँ पर ये गेम अवेलेबल है, प्ले स्टेशन पर अवेलेबल है और एक्सबॉक्स पे अवेलेबल है, और ये कार्ड गेम है तो ये नॉट मेंशन में ही आएगा और इसे सबमिट करेंगे हम इसे और आगे बढ़ते हैं अगली क्वेरी की ओर चलते हैं। अगली क्वेरी है हमारी ग्रैंड डुओ कंसल्टेंट की, कोशिश करते हैं कि ये है ग्रैंड डुओ कंसल्टेंट। द ग्रैंड डुओ कंसल्टेंट ऑपस 48J204 इज अ 3-मूवमेंट वर्क फॉर डेरिनेट एंड पियानो कंपोज बाय कार्ल मारिया, एंड हियर कार्ल मारिया वॉन वेबर चैम्बर वेबर कार्ल मारिया वॉन वेबर लियो फिश डेनियल फिचेस। सो दिस इज 1 hour 8 minutes। इट सीम्स इट इज द एल्बम, यस इट्स ऑन स्पॉटिफाई एंड इट इज एल्बम, सो वी मस्ट चेक ग्रैंड डुओ कंसर्ट रेंट। ये किसी कंसर्ट की बात हो रही है, ग्रैंड डुओ कंसर्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर अगर हम देखें ये आपका और डिटेल्स के बारे में यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ हम चेक करते हैं वेबर वेबर, तो यहाँ दिया हुआ है कार्ल मारिया वॉन वेबर और उसके बाद है चैम्बर चेक बाय टाइपिंग। सो वी कैन सी हियर ब्राउन्स 2003 1989, वी हैव टू चेक 1989, गो फॉर द ईयर। सो देर इज़ नो एनी इन्फॉर्मेशन, सो वी विल चेक ग्रैंड डुओ कंसर्ट। यहाँ पर ये ग्रैंड डुओ कंसर्ट की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। 3-मूवमेंट वर्क फॉर क्लैरिनेट एंड पियानो कंपोज बाय कार्ल मारियो वॉन वेबर। ओके, ये कंसर्ट की बात की जा रही है जिसमें कि इनके द्वारा ये कंसर्ट। ओके, उसके बाद में फ्रॉम 1815 to 1816 इट इज़ अ विट्रियस पीस ऑफ बोथ इंस्ट्रूमेंट, वेबर मोस्ट लाइकली कंपोज द वर्क फॉर हिमसेल्फ ऑन पियानो एंड इज फ्रेंड। सो हम एक बार पर्सनलिटी को चेक करते हैं क्या ये सिमिलर है। तो आप अगर इन्हें देखें तो ये कार्ल मारिया वॉन वेबर ये सिमिलर है पर्सन, बट वहाँ पे कंसर्ट की बात हो रही है, बट नाम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो हम सीधे सेकंड ऑप्शन चुनेंगे टॉपिक मेंशन को और सबमिट करेंगे और आगे बढ़ते हैं। सो वी हैव पास द क्वालिफिकेशन टेस्ट, ऐसे ही आपको करना है। इसका जो भी परसेंटेज रहेगा मैं वो शो कर दूंगा आपको बाद में, कमेंट करके डाल दूंगा तो आप देख लीजिएगा। तो हम चलते हैं अपने प्रोडक्शन वर्क की ओर और आपसे मिलते हैं अगले क्वालिफिकेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर कोई इशू हो तो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। Sing that shit.